भाई अब क्या पाँव में गिर जू बोलो आप हाथ लगा पाँव में मुझे क्यों कर रहे हो बाइक लेना मैं गुनाह कर दिया ना 2,15,000 तुम्हें दे के इसमें हमने गलती कर दी जो हमारे पैसे लगा के समझ में आ रहा है कुछ फिर इंजन में हीटिंग इशू आ रहा है फिर गाड़ी ड्रॉप अब पावर ड्रॉप कर रही है ड्रॉप करने के बाद गाड़ी बंद हो रही है तो आज मेरे साथ हो गया दोबारा फर्स्ट टाइम मैं जब चंडीगढ़ से लाता उस दिन हुआ था और एक आज हुआ आज वहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन नहीं थी उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और ठंडा करने के लिए पानी मार रहे भाई भर भर के आपसे बात कर रहा हूँ मारने के लिए आ जाते भाई मतलब बाइक ले लोगे ना गुनाह कर दोगे आप इनसे बाइक लेके एक बार माइक लाके दे यार किसी को सुन नहीं रहा पैसा वेस्ट हुआ इनका Hey guys, welcome back to our channel once again. तो guys, आज की जो ये वीडियो ना टिपिकल है आपको समझ नहीं आ पाएगा कि सीन हुआ क्या एक्चुअल में तो आप पहले मेरे ना पुराने वाली वीडियो देख लो उसमें मैंने बता रखा कि मैंने एक साल भी नहीं हुई मेरी बाइक को जस्ट 8 महीने हुए और मैंने अपनी बाइक ली थी 16 मार्च को ली थी 16 मार्च को लेने के बाद मैंने कंपनी में फर्स्ट सर्विस कराई थी 10 दिन के बाद तो मैंने उसमें अपनी उसमें बता दिया था सर्विस सेंटर वालों की भैया इसके फैन में आ रही आवाज़ बहुत ज़्यादा आवाज़ ना मेरे को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है गाड़ी हीट होती है बार बार बंद करके रोक रोक के चलानी पड़ती है पानी मार मार के चलाना पड़ता है समझ में आ रहा है कुछ देखो मैं बताता हूँ सीन क्या है फिर इंजन में हीटिंग इशू आ रहा है फिर गाड़ी ड्रॉप अब पावर ड्रॉप कर रही है ड्रॉप करने के बाद गाड़ी बंद हो रही है तो आज मेरे साथ हो गया दोबारा फर्स्ट टाइम मैं जब चंडीगढ़ से लाता उस दिन हुआ था और एक आज हुआ आज वहाँ पर ऊपर ऑक्सीजन नहीं थी उसकी वजह से और ज़्यादा प्रॉब्लम आ गई और ठंडा करने के लिए पानी मार रहे भाई भर भर के बट इन्होंने कहा कि ठीक है हम आपकी बाइक को ठीक कर देंगे जिसके लिए आपको इसका पार्ट्स वगैरह लिखवा दो आप तो मैंने इनके जो स्टोर कीपर में स्टोर में बैठता है बंदा उनको इनके सारे पार्ट्स लिखवा देते क्या क्या मेरी बाइक में प्रॉब्लम है टैंकी के जो पैनल थे जो सर्विस सेकंड सर्विस हुई थी उसमें भी लिखवा दिए थे कि इसके नक्के नुक्के सारे टूट रखे हैं फेयरिंग में से थोड़ा बहुत मतलब तो गैप है गैप तो नहीं था बट जहाँ बोल्ट लगते वो सारे पैनल उसके वहाँ से लॉक टूट रखे थे तो मैंने पहले ही बता दिया था बट इन्होंने ध्यान नहीं दिया और पूरा 1 साल होने को आ गया बहुत कुछ चीज़ें हैं जो आपको धीरे धीरे आगे पता लगेगा बट एक्चुअल में देखा जाए तो मैं 1 साल से बहुत प्यार से बात कर रहा था जहाँ पर ये सुन नहीं रहे थे 1 साल हो गया टोटल मेरे को बोलते हुए कि भैया मेरी रेडिएटर में प्रॉब्लम है सस्पेंशन में उसका ढंग से वर्क नहीं कर रहा कहीं गड्ढे गुड्ढे आते तो बाइक पूरी झूल जाती है किसी साइड भी निकल जाती है हैंडल उसका परफेक्ट नहीं है बट उन चीज़ से मेरे को प्रॉब्लम नहीं थी मेरे को सिर्फ मेरे रेडिएटर से प्रॉब्लम थी रेडिएटर की वजह से क्या होता है गाड़ी बहुत ज़्यादा गर्म हो रही थी जिसकी वजह से भाई मैं उसे लॉन्ग ड्राइव पे जैसे मैं लद्दाख कर चुका हूँ तो उत्तराखंड भी जाता रहता हूँ तभी मेरे एक राइड है नेक्स्ट जल्दी राइड करने वाला था मैं तो मैंने उन्होंने कहा उससे पहले आप इसका रेडिएटर आ गया तो इसे चेंज कर दो ताकि थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और जो इसके पार्ट्स वगैरह वो भी वारंटी में चेंज कर दो तो इन्होंने कहा कि पार्ट आपकी वारंटी में नहीं होंगे इंश्योरेंस में होंगे तो मैं वो मान गया मैं कहा इंश्योरेंस कर दो उसके बाद कहते हैं जी आप अपनी बाइक तोड़ के लेके आ जाओ भाई तोड़ के कैसे लेके आ जाओ यार बाइक ऊपर से करे 20 दिन लगेंगे कोई बंदा अपनी बाइक क्यों तोड़ेगा ये पहली बात तो मेरे को ये समझ नहीं आई नेक्स्ट दूसरे दिन मैंने कहा कि भाई आप एक काम कर दो ये सब चीज़ें रहन दो आप मेरी बाइक का सिर्फ रेडिएटर ठीक करके दे दो तो कहते जी हमने उसका ब्लोअर मंगा रखा ब्लोअर मीन्स उसका फैन हमने मंगा रखा है फैन चेंज होएगा मैं कहा भाई आप पहले तो आप करें पूरा रेडिएटर चेंज होएगा स्टार्टिंग में आप करें आप सिर्फ फैन चेंज होएगा ये मेरे को कुछ हजम से नहीं हुई बात और मैंने बोल दिया कि भाई ये क्या सीन है यार कभी कहते हो आपके रेडिएटर पूरा चेंज होएगा कभी कहते हो आपके सिर्फ फैन चेंज होएगा तो अगर यही प्रॉब्लम है आपने नहीं करना तो बता दो फिर जो उनके उसके बाद आप देखो क्या हुआ आगे पूरा तो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यामा के सर्विस सेंटर अपनी बाइक को लेने के लिए और सीरियसली यार मैं ना बाइक में प्रॉब्लम आ रही ना यार एक वायर जिसने बाइक खरीदी थी मेरा पैसा लगाया उसकी बाइक में अगर दिक्कत आए ना ये चीज़ें कंपनी को समझनी चाहिए बट आज मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरी बाइक जल्दी जल्दी ठीक कर दो क्योंकि यार मैं काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ उस बाइक की वजह से कहीं राइड नहीं मार पा रहा हूँ बहुत सारी चीज़ें मैंने देखनी पड़ती है अब जैसे वो अपने लिए जॉब कर रहे हैं रोजी रोटी कमाने के लिए भाई मैं भी करता हूँ रोजी रोटी के लिए करना पड़ता है तो वो बाइक मेरा साथ नहीं दे रही जिससे आपने मैंने ली थी जिस पर्पज से ली थी उस पर्पज पर खरीदी नहीं कर रही है तो उसी के लिए भाई मैं आज से जाऊँगा रिक्वेस्ट करूँ कि प्लीज़ आप इसका रिलेटर और सस्पेंशन चेंज कर दो नहीं खड़ी है भाई ये खड़ी है अब इसका ये वाला पैनल मैंने 5 वीक्स जोड़ रखा था ये वाला ढूंढना पड़ेगा बड़ा बकवास लग रहा है
ये वाला पैनल ढूंढ भाई। उसके बाद इसका रेडिएटर का भी काम नहीं हुआ, ना इसके सस्पेंशन का काम हुआ, कुछ भी नहीं हुआ अभी तक। कोल्ड स्टार्ट भी नहीं हुई बेचारी, काफ़ी टाइम से 20 सेल्सियस इसमें टेम्परेचर है। बाद में करूँगा आराम से भाई। इसका भी लैमिनेशन भी है, इसकी सर्विस भी आज ही करा देता हूँ मैं। क्लियर कट रहेगा सब कुछ है कि नहीं? एक ही दिन में सारा निबेट दूँ, दोबारा गेड़ा ही नहीं मारना फिर लाइफ में। टाइम कितना लगेगा सर्विस में? बहुत सारे बाइकें लगी हुई है। मिला तेरे को रहने दे, मिलेगा नहीं यार तो। यार ढूंढना तो पड़ेगा ना भाई। भाई यार उसका वो कर दो यार बाइक का, यार उसका सिंपल लो, एक रेडिएटर है उसका। वो देखो सामान ऊपर लगा दिया, वारंटी भी तो है ना। हाँ वो उसका पीछे ठीक है, चलो जो करना कर दो। दूसरा मेरा वो सर 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 अभी तो क्या करता था, क्या नहीं आपका भाई? वो देखो हफ्ते में कहीं आप जा रहे हो ना, वहाँ जाए वो। अरे भाई बाइक हीट होके बंद कर रही बार बार, कोई दिक्कत नहीं, चला लो आप। क्योंकि हमने कल इसको ऑन करा था बट हुआ निकाल, फिर हमने सामान ऑर्डर डाल दे जो हमने चेंज कर। और जो वो उसका पीस और टुकड़ा वो तो दे दो यार। पीस तो मुश्किल, लड़के ने कहा वो कर यार देखना तो चाहिए यार भाई, करो करवा दो कहीं से अरेंज यार। उसके बिना तो मैंने लग रही है तो भाई ऐसे हाल हो रही है यामा की कंपनी में। मैंने सर्विस पे बाइक डाली थी, सर्विस नहीं मतलब उसकी वारंटी में। पहले उन्होंने कहा ऑर्डर हो गया, सामान आ गया, अब कह रहे हम दोबारा डाल लेंगे। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या डाल लेंगे। और मेरा जो टुकड़ा है ना वो बहुत कीमती है भाई मेरे लिए, क्योंकि वो वारंटी में तो जाने वाला है नहीं। और यहाँ कहीं उन्होंने झाड़ू पोछा मार के डाला होगा वो पीस, वो ढूंढना मुश्किल हो गया। अरे भैया आपकी शक्ल नहीं आ रही यार, भाई ये बंद करो पहले यार। साफ सीधी बात है, मालिक से बात करना, मालिक से बात करना ठीक है। मैं वारंटी की बात कर रहा हूँ भाई। अब क्या पाँव में गिर जू बोलो, आपने भाई तो तुम्हारी क्वालिटी इतनी घटिया, क्या करे कंपनी में फोन करो, मैंने कर दिया ना उसकी टेंशन ना लो। खोल लो कहीं टेप में दिखा दो, मतलब भाई ये है चंडीगढ़ में जितने भी यामा के शोरूम है ना, इतना इनका एटीट्यूड ये है, मारने के लिए आ जाते हैं भाई। मतलब बाइक ले लोगे ना गुनाह कर दोगे आप इनसे बाइक लेके। भाई किसकी यार हटाना है पीछे,
भाई ये अपना पंचकुला वाला इनके भी वही हाल है भाई, क्या बोल रहे हैं। मैंने कहा कोई तो सर्विस सेंटर बढ़िया होगा, ये पैनल टूट रखा, मैं कहा यही दे दो, मैं अपना फेविक्विक लगा के जोड़ दूंगा। ले लिया कबाड़ तो बस क्या करें, गलती कर दी कबाड़ लेके ना मैंने यहाँ पर, ये सबसे बड़ी गलती हुई है। पर कोई नहीं भाई, चीज़ कहते ना यार, हर किसी का ना एक टाइम आता है, तो हर एक इंसान का टाइम आता है, आज इनका टाइम है, कल हमारा भी आएगा, कोई नहीं। तो अभी क्या कर सकते हैं, बाइक अपनी कोल्ड स्टार्ट कर लेते हैं, और बाइक में इंजन में कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी रेडिएटर ख़राब है, ये अपना पूरा सर्विस सेंटर है। देख बंदे यहाँ के काफ़ी नाइस है, बस जो अपने मैनेजर है ना, इनको कोई अकल नहीं है भाई बात करने की, इनके प्यार से बात करो जितना मर्जी वो समझते नहीं है। भाई से मैंने ऑर्डर करवा दिए थे सब कुछ सामान, इन्होंने मंगवा दिया था, बाद में कहते जी अब ये चेंज नहीं होगा, सिंगल फ़ैन आएगा। अब फ़ैन का पता नहीं क्या है भाई, मेरे को खुद समझ नहीं आ रहा है, मेरी बाइक में दिक्कत आ रही है, और अब इसका सलूशन है नहीं। यामा को मैंने मेल कर दी, सब कुछ कर दिया, कुछ बात बन नहीं रही, अब देखते हैं आगे क्या होता है, देखता हूँ भाई, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा, ऐसे तो बात बनेगी नहीं। तो इसको कोल्ड स्टार्ट होने देते हैं, फिर यहाँ से निकलते हैं भाई। सब पता है भाई, हर बंदे की यहाँ प्रॉब्लम है, मेरी कल्ले की नहीं है, अगर मैं कल्ला होता ना प्रॉब्लम वाला तो बात भी थी भाई, यहाँ हर बंदा है। अभी इसकी फोर्थ सर्विस बच रखी है, देखते हैं उसमें क्या नखरे करते हैं। ये फोर्थ सर्विस है, इसका रेडिएटर है, और पता नहीं क्या क्या प्रॉब्लम है भाई, बहुत दिक्कत है भाई कसम से। बाइक ले लो ना, उस टाइम तो बड़े प्यार से बात करेंगे, एक बार लेने के बाद ना ऐसे ड्रामे करेंगे जैसे कुछ होएगा ही नहीं। इनके तो भाई क्या ही बोल लूँ मैं, बहुत बुरे हाल है। हैप्पी भाई ले पकड़ो यार, हो गई कोल्ड स्टार्ट। भाई सारी कंपनियों के सेम ही हाल है कसम से, सिर्फ इंजन की वजह से ले लिया बस। सारे बंदे यहाँ पर बकचोदी कर रहे हैं मेरे साथ, कारे जाओ जाओ, अब कारे जाओ बाहर करा लेंगे, 100 बंदे बैठे यार, अब तो बस वही होता है कंपनी का काम, कंपनी में करा लो बस और कुछ नहीं। ये किसी को प्लास्टिक बैंड नहीं, सर्विस आपकी होगी सर्विस सेंटर अच्छे वाले नहीं पास में नहीं होगी यहाँ पर होगी नहीं होगी आप अपने उसमें कौन सी सर्विस में आपके सर्विस सेंटर में जो मेरे रेडिएटर का फैन है जो मैं ऑर्डर देता हूँ वो मतलब नहीं लगा रेडिएटर का फैन कौन सा सेंटर खराब हो गया मैंने बताया आवाज आ रही है तो बोल रहे थे कि फिर से करा दे मैं देखा आपने पहले भी अगर वो क्या फैन खराब है ये आवाज कर रहा था फैन वो तो चेंज करके तो चेंज करके लेंगे करा दो चेंज भी करा दो पड़ा मंगा लो इनका वारंटी देते हो हाँ तो वारंटी में तो देंगे वारंटी एज पर यामाहा पॉलिसी हम हर चीज देंगे एज पर यामाहा पॉलिसी फिर भी ये करो कब तक आ देना उसी दिन कब आओगे ऑर्डर लगा रखा था ऑर्डर लगाया हुआ हफ्ते लगा दे हफ्ते लगा देना डीएस दोबारा आएगा हाँ लास्ट टाइम ने ऑर्डर लगाया था अभी लास्ट टाइम तो कंप्लीट गेट में दे रहेगा फिर वो ब्लोर ब्लोर आया है बंदा ब्लोर 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 आया था खाली ब्लोर है गेट में अच्छी बात है आप कर रहे हो बहुत अच्छी बात है हम नहीं कर रहे आप मैं कहता हूँ और बढ़ो नहीं मेरे को इतना चाहिए जो मेरी बाइक की वारंटी आप दोगे नहीं वारंटी तो देंगे यार मैं क्या बोला आपको एज पर यामा पॉलिसी जो होगा हम देंगे हाँ बस ठीक बस ठीक बाकी आपने भाई यही है यामा का मतलब ये जो यहाँ के ओनर है ठीक है यामा पॉलिसी हम सब देंगे देखिए सर ने बोल दिया पॉलिसी वगैरह सब मिलेगा रेडिएटर चेंज हो जाएगा सर्विस मिल जाएगी हाँ मिलेगी लास्ट टाइम आता हूँ मैं आपने 7 दिन बोले ना ब्लोर का हाँ, हाँ, मतलब 7 दिन में आ जाएगा ठीक है भाई ये है मतलब साफ सीधी बात है चंडीगढ़ में जितने भी सर्विस सेंटर है ना
काफी ज्यादा अच्छे हैं, बस इनके ना पाँव छू छू के काम कराना पड़ता है और कुछ नहीं। भाई चंडीगढ़ के पूरे चंडीगढ़ के हाल, कल्ला मेरा नहीं है भाई, तो बस सर्विस के मतलब था, सर्विस में को मिल जाएगी, वारंटी मिल जाएगी और उसके बाद तो मेल और ये सब देखते कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। कॉल करियो देख क्या बोलते हैं। नंबर मिला आपका, मेरी रेडिएटर की प्रॉब्लम है, ये कह रहे हैं ब्लोड चेंज करने को। नहीं नहीं मैं ये नहीं बोलूंगा, मैं बोलूंगा मेरे को, मैंने एक मैंने मैंने एक साल से मैं वेट कर रहा हूँ, एक साल से मैंने कंप्लीट करके ना, उसके बाद ये बोलूंगा मैंने एक साल हो गया अभी तक मेरा रेडिएटर चेंज नहीं हुआ, मैं ये बोलूंगा जो मैंने सच में कर रखा है। इसे बोलना एक साल से मैंने रेडिएटर के फैन की प्रॉब्लम डाल रखी थी, आवाज़ कर रही, गाड़ी गर्म हो रही, बंद हो रही बार बार, उठा ही नहीं रहे भाई। कोई ना, अगर उठा लेंगे कि गाड़ी चला रहे हैं, आ जाएगा फोन। अच्छा मीटिंग है, आ जाएगा कोई बात नहीं, इंजीनियर कंपनी का, आप बात कर लेना इनसे, कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पर 3 बार चेक करा चुका हूँ, 4-5-6 बार विजिट है, आप एक बार हिस्ट्री निकलवा दो। कोई चक्कर नहीं यार, देखो क्या होता है ना, कोई भी चीज़ है ना प्रोसेस होता है। नहीं वो मैं मान गया, मैं एक साल से वेट कर रहा हूँ सर, आपके सामने की बात है, आपके कितने बार आ गया हूँ। अगर चीज खराब होती बाइक चलती ना, मैं तो कहा उन्होंने कि भाई रेडिएटर प्रॉब्लम है, उन्होंने हाँ नहीं नहीं पूरा नहीं कहा मैंने, मैं कहा फैन चल रहा है, बहुत गंदी आवाज करता है, हीट उठती गाड़ी, मैं उसे बंद कर देता हूँ, पानी मारता क्योंकि यहाँ पर आ जाता है, इसमें अलर्ट कूलेंट ओवर हीट। अच्छा यहाँ पर आया था हर बार कूलेंट ओवरहीट, प्लस मैंने वीडियो भेजी थी आपके जो वो है उधर सर्विस सेंटर में काम करते हैं, यहाँ पर मेरा एक साइन आता है ये वाला सबसे नीचे वाला, ये रेड हो जाता है, जैसे ये रेड हो गया मैं बाइक स्टॉप करता हूँ, पानी मारता हूँ, गाड़ी 11,430 किलोमीटर। तो ये रेडिएटर एक साल से प्रॉब्लम है, जब से ली तब से ये है, मतलब आज मैंने आपसे बाइक लेके गया, कल खड़ी थी, परसों मैं 24 आवर का चैलेंज किया था, उसी में मेरे को पता लग गया कि बाइक में प्रॉब्लम है, मैंने फर्स्ट सर्विस बता दिया था कि भैया इसमें ना आवाज आ रही है रेडिएटर में, एक बार चेक कर लो। 24 मतलब 24 तक बाइक चलाई थी इसका वो करने के लिए, इंजन को रब करने का, अरे इकट्ठी तो कोई भी नहीं चला सकता, रुक रुक के कहीं यहाँ स्टे कभी वहाँ स्टे, 1,000 किलोमीटर चलाई थी फर्स्ट सर्विस के लिए। नहीं 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 रेडिएटर पहले से खराब था, आवाज उसी टाइम स्टार्ट सुनाई, पीछे से ही खराब हुआ है इसका। हाँ यही बता रहा हूँ मैं, बस बात ये इतनी है, हम राइड पे हमें फिर पता लगा कि हीट हो रही गाड़ी, हमने उन्हें कहा करें नई गाड़ी है, हो जाएगा सेट, मैं कहा ठीक है नई गाड़ी है, फिर मैं ऐसे दूसरी सर्विस कराई, मैंने कहा भैया अभी भी सेम प्रॉब्लम आ रही है, आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, मैंने एक वो हमारे फ्रेंड है उसने बताया था आवाज़ बहुत आ रही है, मैकेनिक है वो भी, आप एक बार कंपनी में क्लेम करो, ये वारंटी में आएगा, मैं कहा वारंटी डालो, उनका ठीक है हम रिकॉर्ड डाल देते, मेरी सेकंड सर्विस का है, आप चाहिए पूछ लेना कि सेकंड सर्विस कब कराई थी मैंने, दूसरे महीने अप्रैल में कराई थी सेकंड सर्विस, और तब मैंने ऑर्डर किया था, तब से अभी तक मेरे को टाइम हो गया, अभी तक मेरा सामान नहीं आया, अब बताओ मैं क्या करूँ, रेडिएटर नहीं आया। हाँ और जब आया उन्होंने कहा आपका रेडिएटर आ गया, आप आ जाओ, मैं आ गया, मैं कहा ये भी मेरी क्लेम में डाल दो जो टूटा हुआ, मैंने कहा रेडिएटर आ रखा ना, मैं कहा ये पार्ट्स वगैरह मेरी आवाजें कर रहे हैं, यहाँ से जब फर्स्ट सर्विस कराई थी ना इसके अंदर के नक्के टूटे हुए थे फर्स्ट सर्विस पे ही, हाँ जहाँ लॉक लगते हैं ना, जहाँ लॉक लगते हैं, जब मैं वहाँ पर वीडियो बना रहा था उन्होंने कहा भाई इसके तो नक्के टूट रखे पहले से ही, ये टंकी के सारे नक्के टूट रखे, पहली सर्विस खोलते ही पता लग गया था, हाँ जो ये टंकी के वो है लॉक होते हैं जहाँ पेंच लगते हैं, बस वो बाहर से नहीं दिखते, हाँ उन्होंने खोला, कह रहे इसके नक्के पहले से टूटे हुए हैं, मैंने कहा ठीक है ये मेरे को नहीं पता, फर्स्ट सर्विस लेके आया था खुलाने के लिए, तब वो मेरे को पता लगा जब इसका एयर फिल्टर हमने वो होता है सफाई होती है चेक किया जाता है, उस टाइम देखा हमने नक्के टूट रखे हैं, इसलिए तो मैंने कहा क्या होगा इसका, कह रहा है वो वारंटी में हम डाल दो उसमें कर देंगे, हो जाएगा आप ऑर्डर लिखवा लो, मैंने फिर भी ऑर्डर लिखवा दिया, पूरी बॉडी आर की जो जो उन्होंने बोला मैंने सब करवा दिया, एंड में मैं आया करें इंश्योरेंस कराओ और बाइक तोड़ के लेके आओ, उन्होंने मेरे को ये कहा बाइक तोड़ के लाओ, मैं कैसे तोड़ दूँ यार अपनी बाइक, मैंने संभाल संभाल के चला रहा हूँ, अब मैंने संभाल संभाल चला रहा हूँ, वो सुनी रहे मैं कहा वारंटी में, अब वो क्लेम कर रहे थे, देखो इंश्योरेंस क्लेम तो टूटी बाइक मिलता है ना, तो भैया यार मैं तो वो कह रहा हूँ ना जो कंपनी से फॉल्ट आया वो तो मेरे को दे दो, मैंने ये कहा था टूटे का फॉल्ट कंपनी, अब सुनो हमने ट्रक से गाड़ी जारी, हमने बैटरी वाली गाड़ी आपको दे दी, ऐसे नहीं मेरी बात समझो, आप कह रहे हो कि टैंक खोल के टूटा जैसे, नहीं मेरी बात सुनो, अब कंपनी से आ रही है, हमें नहीं पता यार, आप पर ट्रस्ट है कि हमने ले लिया इतने पैसे लगा के, कल को मुझे पता चल जाए इंटरनल प्रॉब्लम है, जब हमने फर्स्ट सर्विस पे लेके आया सेकंड सर्विस पे इसका एयर फिल्टर चेंज हुआ था सेकंड सर्विस पे, उन्होंने जैसे इसके टैंक के पैनल खोले, इधर का नक्के हाफ नक्के थे पूरे नहीं थे, लॉक खोला टंकी आवाज़ कर रही, मैंने कहा भैया टंकी भी आवाज़ कर रही, उन्होंने खोला कर रहे नक्के तो टूट रखे भैया, यहाँ के टूट रखे, इसके बीच में जो लॉक होते हैं वो टूट रखे, यहाँ के टूट रखे, लॉक ही टूट रखे, जो स्टार्टिंग में उन्होंने किया, चलो ठीक है वो रेडिएटर भी फोन कर दो, रेडिएटर प्लस सर्विस बची इसकी लास्ट। तो भाई ये है हमारे चंडीगढ़ के हाल, चंडीगढ़ नहीं पूरे, हाँ पूरे इंडिया के हाल है वैसे ऑलमोस्ट ही, हम बाइकें लेके तो जाते हैं बस कबाड़ बना के दे देते हैं, तो अब जो है ना प्रॉब्लम भाई मेरा खुद सॉर्ट करना पड़ेगा, क्या बस कबाड़ ही है भाई ये बाइक ले जाके मजाक नहीं भाई यार, अगर आप बाइक लेने की सोच रहे हो भी यामा की तो प्लीज़ मैं तो फर्स्ट प्रायोरिटी रखूँगी, आप सेकेंड हैंड में ले लो, नहीं कभी मत लेना, इतना घटिया माल है भाई कसम से, इतना बकवास माल है ना मजाक नहीं, नहीं तो हम ले लेते हैं बट इनके जो हालात है ना वो बस क्या ही बोलूँ मैं, हाँ अरे वो सेल्स वाला कह रहे बाहर आके मिल, मैंने कहा आ जा भाई, वो इतने
ऐसे एटीट्यूड में बात कर रहे जैसे गुंडागिरी भाई, पता नहीं कहाँ का दादा आएगा। इतना बकवास भाई, अगर आप नई गाड़ी लेने की सोच रहे हैं ना तो प्लीज़ थोड़ा सा परहेज रखना। मेरे साथ बहुत कुछ हो गया है, एक शोरूम के नहीं आप पूरे शोरूमों के हाल ऐसी है। हैप्पी भाई, नई बाइक लेने के लिए क्या कैसा है? पहले तो भाई बाइक पहले चेक कर लो, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? हाँ नहीं, अरे लो ही मत भाई, वारंटी में भी नहीं मिल रहा कुछ हमें, हम तो वारंटी के लिए तरस रहे, वारंटी भी नहीं हो रही है। वारंटी भी होने के बाद भी हम पीछे से चीज़ खराब मिल रही है हमें। हाँ वारंटी पहले उन्होंने कहा कि आपका पूरा रेडिएटर चेंज होएगा, बोला था मेरे को, फिर बाद में रेडिएटर चेंज नहीं होएगा। साफ सीधे बोलूं तो आपको एक बार माल बिक गया तो बिक गया। तो भाई सीरियसली यार, मजाक नहीं, मैं ना काफी ज्यादा अंदर से ना टूट चुका हूँ कि भाई अब क्या होएगा यार। अब पहली बात तो यार मैंने बाइक तो ले ली, बाइक यार सच तो एक इमोशन था मेरा, हमेशा से इमोशन रहा है। और मतलब देखो मैंने काफ़ी टाइम से आपको दिखा रहा हूँ यार कितनी प्रॉब्लम आ रही है, सर्विस सेंटर के अंदर बंदे काम कर रहे हैं ना ठीक है भाई, बट जो यार कुछ बंदे हैं ना, मतलब कुछ बंदे होते हैं सारे बंदे खराब होते हैं, उनकी वजह से ना ये सर्विस सेंटर भी ना कोई बंदा नहीं आएगा अब। और मैं तो सीरियसली कह रहा हूँ लाइफ में ना कभी भी अब किसी भी सर्विस सेंटर पर भरोसा नहीं करूँगा, बाहर के मकैनिक से करा लूँगा, ज़्यादा खुश रहूँगा, ये कंपनी से मैं कराने वाला नहीं हूँ। ज़्यादा अंदर से ना दुख हो रहा है कि मैंने कहाँ पैसे लगा दिए, और अभी भाई मेरे ना इस पर तो आपको पता ही है मैं फंसा पड़ा हूँ इस बाइक की वजह से, और कुछ नहीं, चारों तरफ से फंस गया हूँ मैं, मेरे को समझ नहीं आ रहा क्या करूँ इसका, कबाड़ है यार ये। जो इनकी सर्विस ऑथराइजेशन वाले हैं ना, सर्विस प्रोवाइड करने वाले हैं ना, वो भाई बिल्कुल भी काम के नहीं है, समझते नहीं है कि जो सामने वायर है उसकी क्या प्रॉब्लम आ रही है, उसको जो प्रॉब्लम है उसको सॉर्ट करे, वो सॉर्ट नहीं करते, उल्टा भाई अपना एटीट्यूड अपना रॉब दिखाते। ठीक है यार हमने पैसे लगा दे, गुनाह कर देना आपसे सामान लेके, सीधी बात है यार, इतना पैसा लगा के बस वेस्ट ऑफ मनी हो गया मेरा तो ये पूरा। अब मेरे को समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ इस बाइक का, भाई बस फंस गया हूँ यार, बुरी तरह फंस गया हूँ किस्म से, अब फंस गया तो फंस गया यार, क्या करूँ यार, इतना पैसा लगाया भाई मैंने ना लाइफ में यार, कसम से मेरे को ना बहुत ज़्यादा मतलब सैक्रिफाइस करने पड़ रहे हैं अपनी लाइफ से। और ऐसे हालात में जब मेरे को, मैंने एक चीज़ देखी, मेरे साथ ना हमेशा गलत तभी होगा जब मेरे पास एक भी रुपए नहीं होता, मैं कुछ कहीं कर नहीं सकता हूँ, पर आज मेरे साथ वही सीन हुआ है। तो भाई अभी तुमने सबने बाइक की आवाज़ सुन ली होगी, बाइक का जो साउंड है ना भाई रेडिएटर से ऐसे आता है, और ये अगर ज़्यादा देर आए ना, मतलब ये 24 अगर आप थोड़ा से जैसे अपने घर से निकल गए ना, और 15 मिनट जैसे मार्केट का ट्रैफिक रहता है इधर, तो यहाँ से निकलने के बाद आगे जाके ये बाइक इतनी ज़्यादा हीट हो जाती है, उसका रेडिएटर आवाज़ ही आवाज़ करता है, चलता नहीं है फ़ैन बिल्कुल भी, तो उसकी मोटर आवाज़ करती है वहाँ अंदर, और उसके बाद गाड़ी हीट हो जाती है, फिर मेरे को रोकना पड़ता है क्योंकि फ़ैन तो चल ही नहीं रहा भाई जब से लिया है, और पानी मार के फिर ठंडा करना पड़ता है गाड़ी को, जब तक वो एकदम उस पर कूलेंट वापस 60 तक नहीं जाता है तब तक मेरे को ऐसे ही चलना पड़ता भाई रोक रोक के। अब भाई इतनी प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ मैं, उसके बाद मैंने उन्हें यही बताया, इसमें भाई इस सीन उन्होंने क्रिएट कर दिया, और अभी जो मेरा बैक पैनल टेल टूट रखा ना उसका सोल्यूशन निकालता हूँ भाई मैं आपको दिखाऊँ एक बारी, उसके लिए MC लेता हूँ, MC लगाता हूँ बाइक पे, तो यहाँ से MC ले जाऊँगा, सामने हैप्पी बाइक खड़ रखा है यहाँ पर, इस पर MC चिपकाना पड़ेगा क्योंकि पूरा पैनल टूट रखा भाई, क्या करूँ मैं, जिंदगी झंड कर रखी भाई सारे इन शोरूम वालों ने। ये देख लो भाई ये MC से काम सार रहा हूँ मैं जब से बाइक ली है, ये थोड़ा नीचे कर देता हूँ ताकि MC निकाल पाऊँ इसका। कह रहे कि भाई हम, मैंने कहा इंश्योरेंस क्लेम कर दो, कह रहे इसका ऐसा नहीं होगा, पूरी तोड़ के लाओ तब जाके होएगा इसका। हाँ अब क्या करें भाई, मजबूरी है, कुछ ना कुछ जुगाड़ तो करना पड़ेगा, प्लास से नहीं यार, का पैनल टूट गया कोई सीन फंस जाएगा यार, ये पकड़ के खींचने को कह रहा हूं मैं। अच्छा पकड़ में भी आएगा है ना भैया, थोड़ा सा जगह मिल जाने से घुसाने की। तो भाई ये ना रेगुलर सा हो गया मेरा, 30-30 रुपए की MC ला रहा हूं, इसे घोट रहा हूं और इस पे लगाना पड़ेगा तब जाके ये टिकेगा। और भाई ये है भाई यामा की बिल्ड क्वालिटी, फिर बंदे कहते हैं यामा ले लो यामा, मजाक नहीं, आज के बाद ना बाइक तो मैं लेने वाला ही नहीं हूं, और लूंगा ना तो सेकंड हैंड में जाऊंगा, नहीं तो कभी नहीं जाऊंगा ना भाई, इतनी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है यार, नहीं है मैं तो क्या फ़ायदा इस चीज़ का। ये देख लो भाई MC लगा लगा के पैनल रोकने पड़ रहे हैं ये वाले, वो भाई भी आया कह रहा भाई नया ले लो उससे बढ़िया ये वाला पैनल, तो भाई ये दोनों को मिलाना पड़ेगा तब जाके बात बनेगी। यामा वालों ने तो भाई क्या ही बोलूँ मैं, अब छोड़ो यार ऐसे बंदों से ना, मजाक नहीं, एक बार मेरी फोर्ड सर्विस कंप्लीट हो जाए और मेरा जो ये रेडिएटर है ना ठीक हो जाए, मजाक नहीं, शक्ल नहीं देखूंगा उनके सर्विस सेंटर की, पर अभी जाऊँगा मैं एक बार दोबारा उनसे रेडिएटर का काम करवाना है भाई। घटिया बिल्ड क्वालिटी कभी नहीं देखी, ये तो 10 रुपये वाला जो स्टार्टिंग खिलौना लाते हैं ना उससे बेकार है भाई। यामा लेने के बाद हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, इतने खुश हैं कि हम अपना खुशी जाहिर नहीं कर पा रहे, हाथ से गंदगी उठानी पड़ रही भाई आज, ऐसे हाल हो गए।
मैं मजाक नहीं, आज के बाद कभी भी बाइक लूंगा ना यामा की, फिर कभी नहीं प्रेफर करने वाला किसी को भी कि यामा लो ना, घटिया बिल्ड क्वालिटी। और मैं भी यार पागल ही था जो इस यामा पे चला गया, वो भी खास कर ऐसे बंदों की बात सुन के जो साले जिनका अपना ही लेकर ठेका नहीं है, उनकी बात सुन के मैं यामा उठा लाया। तो गाइस अपना एम सी लगा दी हमने, वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, अब आपकी इच्छा है भाई आपको यामा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। मैं तो एम सील भर भर के थक गया हूँ भाई लाइफ में, हर महीने मेरे कम से कम ना एम सील पे 100 रुपये खर्च होते हैं, और एम सील कितने की आती है, 10 से 20 से 30 रुपये की आती है, मैक्स टू मैक्स जितनी इसमें लगती है। बट जैसे मैंने मैं फिलिंग कर रहा हूँ ना, ऐसे में 30 रुपये की एम सील आती है, जिससे पूरे प्रॉपर फिट हो जाता है ये, फिर उसके बाद हर महीने मेरे को चेंज करना पड़ता है क्योंकि ऑटोमेटिक एम सील भी टूट जाती है। डिसीजन आपका है, बाइक यामा की है। टेक केयर, बाय बाय।